नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग, आप लोग देख रहे हैं पॉम टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड रहते हैं और टेंशन में रहते हैं कि 3 महीने से छोटा पप्पी है और उसके घर में किन्हीं को भी काट लेता है। आपके बेटे को काट सकता है, आपके भाई को काट सकता है, आपके मम्मी को, वाइफ को, किसी को भी 3 महीने से छोटा पप्पी बाइट कर सकता है। तो बहुत सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं कि 3 महीने से छोटा पप्पी है और मुझे काट लिया है तो क्या करना चाहिए, रेबीज़ होगा, बिख लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि 3 महीने से छोटा बच्चा अगर आपको काट ले तो कोई टेंशन की बात है, आपको सुई लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये न्यू पप्पी है और इसके जो न्यू पेट पेरेंट हैं यही हैं, आज से इनके फादर इनको केयर करेंगे। तो इनको काफ़ी अच्छे तरीके से रखिए, देख सकते हो हम जब भी एक पेट किन्हीं को देते हैं तो समझो कि हम एक बेटा उनको दे रहे हैं, उनका एक फैमिली मेम्बर दे रहे हैं। और डॉग में किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं, एकदम डॉग पूरा हेल्दी, एक्टिव, मस्त और इतना बड़ा कि घर में आराम से रह जाए, इनको मुंह में खिलाना नहीं पड़ेगा, पपी मस्ती से रहेगा। तो चलिए मैं आपको बतलाता हूँ कि जैसे कि ये 2 महीने के पास का पप्पी है तो 3 महीने से छोटा है, अगर ये किन्हीं को काट लेता है तो कोई दिक्कत की बात है कि नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रहा है, नॉइज़ आ रहा है, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। मैं अभी नई प्लेस पे आया हूँ तो इनके साथ मैंने वीडियो बना लिया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, जो आप लोग जिस चीज़ से डर रहे हो उसको गाँव में नॉर्मली उसको बिख कहते हैं कि बिख लग जाएगा, और अगर हम पढ़े लिखे भाषा में बात करें तो उसको रेबीज़ बोलते हैं कि रेबीज़ हो जाएगा। दोस्तों रेबीज़ एक टाइप का वायरस होता है जो इस डॉग में नहीं रहता है, वो लोमड़ी से आता है डॉग्स, दूसरे डॉग्स में, अब उस डॉग से इसमें आएगा तभी इसको रेबीज़ होगा, और वैसे रेबीज़ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें अब धीरे धीरे रेबीज़ बनना स्टार्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेबीज़ तभी होगा जब इसके खून में किसी भी तरीके से वो रेबीज़ वायरस चला जाए, चाहे कोई कुत्ता इसको काट ले तभी रेबीज़ जाएगा। और रेबीज़ का एक खासियत ये होता है कि जिस भी डॉग को रेबीज़ होगा वो डॉग मरेगा ही किसी भी कीमत पे। तो दोस्तों अगर 3 महीने से छोटा पप्पी रहता है तो नॉर्मली हमारे घर में ही रहता है और हम लोग उसको घर से बाहर लेकर के नहीं जाते हैं, तो ऐसे में ये डॉग या फिर वो पप्पी किसी दूसरे पप्पी से नहीं मिल पाता है, किसी दूसरे डॉग से नहीं मिल पाता है, तो इसमें रेबीज़ वायरस आया नहीं, तो ये पूरे तरीके से सेफ रहता है। और बाय चांस आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर को काट भी लेता है तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका 3 महीने से छोटा पप्पी आपको बाइट कर ले तो आप एकदम निफिक्र हो कि मुझे कुछ होगा ही नहीं या फिर मुझे कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर आपको एक बार अपने लोकल डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलना है कि ये मेरा डॉग है और इसने मुझे काट लिया है, मुझे कोई दिक्कत है कि नहीं है, क्योंकि आपके लोकल डॉक्टर आपके डॉग की कंडीशन देखेंगे कि ये डॉग कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं है, उसके बाद आपको बोलेंगे कि सुई मत लीजिए। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसा एग्ज्यूम कर लेते हैं कि 3 महीने से छोटा पप्पी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन एक बार लोकल डॉक्टर से मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार लोकल डॉक्टर से आप लोग ज़रूर मिल लिया करिए, ठीक है, बिना मिले मत छोड़िए। लेकिन ये जान लीजिए कि कोई भी दिक्कत नहीं होता, आप लोग मस्ती में रहिए और टेंशन फ्री रहिए, और अपने प्यारे से पप्पी को जैसे रखना है अपने घर में वैसे रखिए, उसके साथ खेलिए, धूपिए, बच्चों के साथ खेलने दीजिए, आराम से रखिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। आप लोग इस वीडियो को सारे लोगों को शेयर कर दीजिए जो न्यू पप्पी लिए हैं, और ताकि उनका भी टेंशन ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ में। अगर हमारे चैनल पर डॉग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही रेड कलर में नीचे सब्सक्राइब होगा और बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। दोस्तों हम लोग मिलते हैं बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। पकड़िए।